हमने सॉल्व करने हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर वन, चैप्टर नंबर 14 का प्रॉब्लम नंबर वन रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट, और इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दैट विल काज मैक्सिमम फोर्स 7.0 × 10⁻³ न्यूटन ऑन 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। तो एक करंट कैरिंग वायर है और उसके लिए हमारे पास गिवन डेटा जो है फोर्स, लेंथ और करंट प्रोवाइड की गई है, और हमने इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए जो गिवन डेटा है वो क्या है। गिवन डेटा इसके अंदर फोर्स है सबसे पहले 7.0 × 10⁻³ न्यूटन्स इट इज़ गिवन। उसके बाद जो है वो लेंथ बताई गई है 20 सेंटीमीटर्स है, इसको हम 20 × 10⁻²² मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से करंट जो है वो हमारे पास 10 एम्पेयर है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो वायर है ये पड़ी हुई है। और इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो कौन सा फार्मूला होगा, F इज इक्वल टू ILB × sin θ। और सॉल्यूशन इसका हम सॉल्व करते हैं, सिंस हमने मैक्सिमम फोर्स फाइंड आउट करनी है तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। उसके बाद हम यहाँ से B को अलहदा कर लेते हैं और B को एक तरफ लिखेंगे तो F डिवाइडेड बाय I × L, तो B विल बी इक्वल टू फोर्स क्या है यहाँ पे 7.0 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय करंट, करंट की क्या वैल्यू है यहाँ पे 10 एम्पेयर है। और उसके बाद लेंथ जो है वो यहाँ पे है 20 × 10⁻²। ठीक है जी, 10⁻²। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 10⁻³, और 7/2 आएगा, ये 2 और एक 0 और ये दूसरा 0, तो ये आ जाएगा 10⁻²× 10⁻²² और ये आ जाएगा -2। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर जो है वो 7 × 10⁻³ टेस्ला इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज़ दी 7/2। ओके, तो 7/2 जो है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करके 3.5, तो 3.5 × 10⁻³ टेस्ला के बराबर होगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू जो है इसके अंदर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हाउ फास्ट मस्ट प्रोटॉन मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। तो हमने एक प्रोटॉन को मूव करवाना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और कंडीशन ये है कि प्रोटॉन जो है वो उसका वेट जो है वो बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसके लिए जो गिवन डेटा है हमारे पास वो क्या है, गिवन डेटा इज़ B इज़ इक्वल टू 2.50 × 10⁻³ टेस्ला। दिस इज़ B, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, और हमने बेसिकली अब इसका जो वेट है वो फाइंड आउट करना है। तो वेट किसके बराबर होता है, मैस ऑफ प्रोटॉन इनटू जी। मैस ऑफ प्रोटॉन जो है ये 1.67 × 10⁻²⁷ होगा, और जी जो है वो 9.8 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1.6 × 10⁻²⁶ न्यूटन्स। ओके, अब हमारे पास जो कंडीशन है इसके अलावा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होगा, तो चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन इसका जो है वो किस तरह से आएगा, वेट ऑफ प्रोटॉन जो है इट इज़ इक्वल टू एफ बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है Qv × B। वेट जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.6 × 10⁻²⁶, और यहाँ पे Q की जगह पे 1.6 × 10⁻⁹ पुट करेंगे,
और वेलोसिटी हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू जो है ये गिवन है 2.50 इंटू 10^-3, ठीक है जी, और ये 1.6 इंटू 10^-26। अब इस वेलोसिटी को एक तरफ लिखेंगे, ये जो है वो ऊपर आएगा -26, और वेलोसिटी के साथ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएंगी, 10^-3 और 1.6 इंटू 10^-19। ओके, और यहाँ पे 1.6 जो हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग जो है वो 1.25 होगा इंटू 10^-26, और ये जो -3 है ऊपर जाके +3 हो जाएगा, और ये जो -19 है ऊपर जाके +19 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा 0.4 के बराबर, और ये आ जाएगा ये 26, और यहाँ पे आ जाएगा 22, तो -4 के बराबर आ जाएगा। तो ये 4 × 10^-3 के बराबर इसकी जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी मीटर्स पर सेकंड के। ओके, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, इट वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको माइनस, इसको जब हम 4.0 लिखेंगे या 4 लिखेंगे तो ये -5 हो जाएगा, नॉट -3। ओके जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला, इफ ए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000 वोल्ट्स पर मीटर इज अप्लाइड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू अ वेलोसिटी सिलेक्टर। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर क्या है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनको परपेंडिकुलर टू ईच अदर अप्लाई किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन डेटा है वो है मैग्नेटिक फील्ड जो कि 0.30 टेस्ला के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 10,000 वोल्ट्स पर मीटर के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू दैट फील्ड अप्लाई की गई है, वेलोसिटी हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर की। वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्यू इंटू ई के बराबर होती है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है वो क्यू वी बी के बराबर होती है, क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, वी जो है वो एक तरफ बच जाएगा, तो ई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू वी। सो वी किसके बराबर आएगा, ई की जगह पे हम पुट करेंगे 10 × 10,000 और डिवाइडेड बाय बी, तो बी आ जाएगा 30, इसको 10^4 लिखेंगे, और ये आ जाएगा 30, और 100 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो है ये आ जाएगा 1/3 × 10^5, और 1/3 जो है ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3.3 × 10^4 के बराबर, और दिस विल बी मीटर पर सेकंड, और ये होगी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल।